बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 12। द नेम ऑफ द यूनिट इज बेटर रैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्रीहेंशन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ मिसेस रैबिट्स चिल्ड्रन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटन टेल एंड पैटर वर द नेम्स ऑफ मिसेज रैबिट्स चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द रैबिट्स लिव? द रैबिट्स लिव्ड इन अ सैंड बैंक अंडरनीथ द रूट ऑफ वेरी बिग फर ट्री। व्हाट डिड मिसेज रैबिट टेल द चिल्ड्रन टू डू? Mrs. Rabbit told the children that they could go into the fields or down the lane, but not into Mr. M.C. Gregor's garden. Where did Peter go? Peter went into Mr. M.C. Gregor's garden. What did Peter get stuck in? Peter got stuck in a gooseberry nut. What was wrong with Peter's hiding place? Peter's hiding place, the cane was full of water. Name four plants that Mr. M.C. Gregor had in his garden. Lettuce, French beans, radish and potatoes. How did Peter escape from the garden? Peter escaped from the garden by jumping at the edge of the window of the tool shed. Challenge hai. Have you read any other stories by Beatrix Potter? Look for more stories by her and share them with your classmates. Here are some of the stories by Beatrix Potter. The Tale of Squirrel Nutkin, The Tailor of Gloucester, The Tale of Benjamin Bunny, The Tale of Two Bad Mice, The Tale of Mrs. Tiggy Winkle. Put the following sentences in order. यहाँ पे कुछ sentences हमें jumbled form में दिए गए हैं, इनको हमने sequence में करना है। तो सबसे पहले देखें, Peter's mother went to buy some bread. F वाले को मैंने number one लिखा है यहाँ पे। Number two पे आएगा Peter felt ill. Number three पे Peter saw Mr. M.C. Gregor. Number four पे Peter got stuck in the net. Number five पे Peter went into the tool shed. नंबर सिक्स पे पेटर हाइड इन अ वाटरिंग कैन। नंबर सेवन पेटर वेंट टू बेड। नंबर एट पेटर्स मदर गेव हिम सम कैमोमिल टी। नंबर नाइन पे पेटर्स सिस्टर्स हैड बेरीज एंड मिल्क। चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू मेक अ सेंटेंस अ सेकेंड वर्ड। ड्रॉ पिक्चर टू। एग्जाम्पल, something to play cricket with, bat, becomes something to wear on the head, hat. यहाँ पे one letter change हुआ है तो bat से hat बन गया। A small animal becomes a place to live in, mouse becomes house. A thing to hold rice in becomes a part of your body, shake become back. Something you read becomes someone who gets meals ready. Book becomes cook. Learning about language, inverted commas. Look at the following sentence. Stop thief, said Mr. M.C. Gregor. What did Mr. M.C. Gregor say? Stop thief. These commas at the beginning and the end of the sentence are called inverted commas. We use inverted commas to show what people say. मतलब ये कि inverted commas हम
तब लगाते हैं शुरू में और एंड पे, जब हमने कुछ ऐसी चीज़ हाईलाइट करनी हो, शो करनी हो जिसमें किसी ने कुछ कहा हो, जैसे स्टॉप थीव, रुक जाओ चोर। यहाँ पे मिस्टर एमसी ग्रेगर ने कहा है कि रुक जाओ चोर, उसको कहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमास में देखा क्योंकि इसको हाईलाइट किया गया है, प्रोमिनेंट किया गया है। पुट इन्वर्टेड कॉमास इन द फॉलोइंग, ही सेड टुमारो इज संडे। ही सेड, उसने कहा, यहाँ पे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास में उसने जो बात कही है, टुमारो इज संडे। ही सेड नो इट इज मंडे। अब यहाँ पे नो को कॉमास में और इट इज़ मंडे को यहाँ पे एंड पे कॉमा लगाया गया है। टुडे इज सैटरडे, ही सेड। टुडे इज सैटरडे को कॉमास में किया है, ही सेड। नो टुडे इज संडे, शी रिप्लाइड। नो को भी कॉमास में और टुडे इज संडे को भी कॉमास में, शी रिप्लाइड। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, योर टीचर विल मेक सम स्टेटमेंट, टेल द अदर वट यूर टीचर सैड। एग्जाम्पल, टीचर आई एम टायर्ड, यू, शी सैड शी वॉज टायर्ड। माई टीचर आई लाइक बिस्किट्स, आई, शी सैड डैट शी लाइकड बिस्किट्स। माई टीचर आई एम अर्ली टूडे, आई, शी सैड डैट आई वॉज अर्ली डैट डे। माई टीचर आई एम स्लीपी, आई, शी सेड डैट शी वॉज स्लीपी। माई टीचर आई एम हंग्री, आई, शी सेड डैट शी वॉज हंग्री। माई टीचर दे आर नॉट माइन, आई, शी सेड डैट दे वर नॉट हर्स। माई टीचर्स राहील्स राइटिंग इज़ वेरी नीट, आई, शी सेड डैट राहील्स राइटिंग वॉज वेरी नीट। माई टीचर हुमा स्पीक्स वेल, आई, शी सेड डैट हुमा स्पोक वेल।